अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आयुब खैरियत से होंगे। मेरा नाम इफिकर लाल और आप देख रहे हैं पाक गलियात ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी नथिया गली और मरी माल रोड की वीडियो आपके साथ इस दफ़ा शेयर करेंगे जी। इस टाइम लास्ट 2021 का जो दिन था, आज 2021 को अलविदा करके 2022 को खुश आमदीद कहते हैं जी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी नथिया गली मेन मोचीटारा लीड्स होटल के पास और देख सकते हैं इस टाइम रश और लोग देख रहे हैं जी स्नोफॉल कब होगी। हर बंदे का यही सवाल है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है कि बिल्कुल बंद हो चुका है, बादल आसमान पर आ चुके हैं क्योंकि दिन जिस तरह करीब आ रहे हैं 4 दिसंबर को, जो कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया कि 4 दिसंबर को स्नोफॉल होगी। तो उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अपने भाइयों के पास पहुँचे और कोई भाई भी इस वीडियो से खबर ना रह सके। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाह रहे हैं, हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं किसी होटलिंग की, किसी गाड़ी की, किसी भी सर्विसेज की, तो आप काइंडली आ सकते हैं। इस टाइम मैं आ गया हूँ जी मरी माल रोड पे, देख सकते हैं कुछ क्लिप नथिया गली के थे और कुछ क्लिप अभी माल रोड के हैं। माल रोड के वाले से भी बात करेंगे और नथिया गली के वाले से भी कुछ जिन चीज़ें रहती हैं जो मैंने बयान नहीं कर सका वो भी आपके साथ इधर रखूँगा। देखें जी नथिया गली में जो स्नोफॉल होगी 4 दिसंबर को होगी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अच्छी खासी होगी। ये नहीं कि थोड़ी बहुत ही बर्फबारी होगी और जिस तरह पिछली दफ़ा 27 को हुई थी या 5 दिसंबर को या इस तरह करते करते कितने दिन होती रही तो मैं इसी चैनल पर आपको बताता रहा, उस तरह से ये स्नोफॉल नहीं होगी। ये स्नोफॉल होगी हैवी स्नोफॉल जिसे कहते हैं, तकरीबन 4 फुट के करीब, 3-4 फुट के करीब ये स्नोफॉल जाएगी और आप लोगों ने फुल एंजॉय करना है उस स्नोफॉल में। और काइंडली अगर जी आप ये बर्फबारी देखना चाह रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, तो काइंडली इस तरह करें, आपका थोड़ा सा टूर अगर जो 1-2 दिन का है तो इसे मज़ीद बढ़ा लें, तकरीबन इस टूर को तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए मज़ीद एक्स्ट्रा कर लें। तो अगर जी कुछ थोड़ा बजट कम है तो काइंडली इस तरह करें, थोड़ा सा बजट भी एक्स्ट्रा कर लें ताकि कोई अच्छी सर्विस ले सकें। और अच्छी सर्विस से ये होगा कि आपके साथ फैमिली या बच्चे हैं या कोई भी है तो काइंडली आप अच्छे से सर्वाइव कर सकें और अच्छे होटल में ले सकें और अच्छे से अपना जो है कि अपना सर्विसेज ले सकें। तो उसके बाद जी देखें जी अभी जो माल रोड की सिचुएशन है कि माल रोड पे आज तो रश, आज तो दिन ही है रश का, पूरे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया से लोग आज के दिन के लिए मरी सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, जो कि हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं जिसे, और लाखों में तादाद होती है इधर। ठीक है जी, मेन जीपीओ चौक इसका होता है जी, जहाँ पे मेन जीपीओ चौक में इसकी सेलिब्रेशन की जाती है। कोई कुछ होटलों की तरफ से आतिशबाजी की जाती है और कुछ लोग जो रहते हैं इंजॉय करने के लिए, जितने भी पाकिस्तान से सियात आती हैं वो तमाम मरी में इस टाइम मौजूद हैं। आज की डेट में आज की रश की बात की जाए तो बिल्कुल मरी पैक की हुई है इस टाइम। मरी में जो अच्छे रूम्स हैं वो टोटली पैक किए हुए हैं। अगर आप भी अगर जो रूम लेना चाह रहे हैं तो काइंडली देखें जी इस टाइम मरी के जो रूम रेंट्स हैं वो हाई क्यों हैं, क्योंकि जितनी भी है मरी पूरी प्रॉपर तरीके से पैक है। और एक लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, अगर से ये वीडियो मेरी 31 दिसंबर को आप देख रहे हैं तो काइंडली आप फैमिली वाले हैं तो फैमिली को लेकर बराए मेहरबानी हजूम में मत जाइएगा। अगर से हजूम में जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलात आपके लिए पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये तकरीबन मरावा चौक से लेकर जीपीओ चौक तक तकरीबन बंदे जो मेरे जैसा बंदा है तकरीबन आधे पौना घंटा लग जाता है, इतनी रश होती है, इधर से देखा उधर से देखा प्लांट का बहुत ज़्यादा रश होती है। तो काइंडली खुदा रहा अगर से आप अपनी फैमिली के साथ हैं, इज्जत आ रहे हैं, तो काइंडली आप इस तरह करें अपना जीपीओ चौक में कोई होटल ले लें जहाँ से आपको व्यू नज़र आ सके, जैसे कि मूव एन पिक है, जावा इंटरनेशनल है, इस तरह के होटल ले लें ताकि वहाँ से आपको इनका जो है कि व्यू देख सकें। तो काइंडली ओवरऑल आप कभी भी ऐसा ना करें, फैमिली को लेकर उस एरिया में चले जाएँ जहाँ पर कुछ वस ही नहीं चलेगा आपका, तो आप क्या कर सकेंगे उधर। तो हमारी जो आज की वीडियो थी, इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन यही थी कि आज के हवाले से मरी में क्या होगा और स्नोफॉल कब होगी। स्नोफॉल को तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ 4 जनवरी को होगी और अच्छी खासी होगी, यानी कि थोड़ी बहुत ही होगी। और होटलों की काफ़ी सारे भाई दोस्त पूछ रहे थे, देखें जी मरी में होटलों की ये चक्कर है कि इतनी रश है, इस रश की वजह से तमाम होटल जो हैं कि बुक किए हुए हैं और जो रहते हैं तो उनका रेट इतना हाई है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकता। काइंडली आप खुद अगर जब मरी जा रहे हैं तो आप खुद अपनी मदद, आप एक वीडियो
वीडियो मेरी पड़ी हुई है कैसे अपने अपने होटल ढूंढ रहे हैं, आई बटन में आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर जो गलियात वाली नथियागली साइड पे जाना चाह रहे हैं तो कल मैंने एक होटल की वीडियो डाली थी, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मौजूद है उस वीडियो के, ठीक है। उस होटल पर चले जाएँ, क्राउन प्रिंस, उनके दो होटल्स हैं, एक विजन इन होटल है, एक वो होटल है, उसके बाद रिलैक्स इन होटल है, आप उन होटलों का विजिट कर सकते हैं, वो अच्छे होटल हैं और इंशाल्लाह अजीज़ आप हमारा नाम लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से अच्छा होगा इंशाल्लाह। मरी का होटल एक मेरे नज़र में है इंशाल्लाह अजीज़, उनसे मैं बातचीत करता हूँ, बातचीत करने के बाद इंशाल्लाह अजीज़ यूट्यूब पे वीडियो भी डालूंगा और सजेस्ट भी करूँगा आप लोग उस होटल पे जाएं। तो अगर चाहिए मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, अगर चाहिए इससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।